आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का वीडियो का विषय है, क्या आपकी बीमारी से चंगाई नहीं मिल पा रही है। तो प्रियो, अगर आप बीमार हैं और बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो आज मैं बाइबल के चार ऐसे वचन को आप सबों के बीच में दूंगा, जिसे आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आप क्यों बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को एक बात को बताना चाहता हूं कि अगर मसीही भाई बहन प्रभु में आने के बाद बीमार पड़ते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं और यही मन में उनको हमेशा आता है कि हम जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तब से मेरा और परेशानी है जो बढ़ गया है, मैं और ज़्यादा है जो बीमार और परेशान होने लगा हूँ। तो प्रियो, ये बातों को आप है जे हमेशा है जे प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, मैं जब से तेरे पास आया हूँ तब से और ज़्यादा परेशान और बीमार रहने लगा हूँ। और ये बातों को भी कहते हैं प्रियो कि ये जो बीमारी और परेशानी है जे हमेशा है जे शैतान मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तो प्रियो, हर बातों में शैतान का नाम न लें, हर बातों में शैतान शैतान न करें, क्योंकि कुछ ऐसे जो बीमारी होते हैं, कुछ ऐसे परेशानी होते हैं जो परमेश्वर है जे होने देते हैं। प्रियो, परमेश्वर है जे उस बातों को है जे होने देते हैं। जैसा कि प्रियो, हम सबों को आज बाइबल के वचन से आज देखेंगे कि बाइबल वचन इस विषय में क्या बताती है। तो सबसे पहले मैं आप सबों को एक वचन को दिखाना चाहता हूँ और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने साफ है जे अपनी ताकत के विषय में बता दिया है, अपने अधिकार के विषय में यीशु मसीह ने कह दिया है कि वो कौन है और उसके पास क्या अधिकार है। तो प्रियो, वचन बताती है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वचन को देखते हैं कि वचन साफ साफ यहाँ क्लियर करता है, यीशु मसीह साफ साफ चेला को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है जे यीशु मसीह के पास है। तो प्रियो, अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर कोई दिक्कत या परेशानी में हैं, तो प्रियो ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह के पास अधिकार नहीं है कि वो आपको बीमारी को दूर करे। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, क्योंकि इस बातों को खुद यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है जो यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए प्रियो, अगर आप बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप बीमारी और परेशानी में हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को भी जानने के प्रयास करें। हो सकता है कि परमेश्वर आपके बीमारी के द्वारा कोई नया काम करना चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके परेशानी के द्वारा है जे महिमा लेना चाह रहे हैं, महिमा प्रकट करना चाह रहे हैं। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को वचन को दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना 9 अध्याय के 1 आयत से 3 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक अंधे व्यक्ति के विषय में है जे बात यीशु मसीह और चेला दोनों करते हैं। जैसा कि मैं आप सबों को वचन से बात करना चाहता हूँ, तो वचन कहता है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उनके चेला हैं, उसी रास्ता से एक जन्म के अंधा जो है वो गुजर रहा है, जा रहा है, और उनके चेले हैं जो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हे रबी, हे प्रभु, हे गुरु, किसने पाप किया था, ये अंधा व्यक्ति ने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था जो ये अंधा है। तो प्रियो, वो अंधा व्यक्ति तो जन्म से अंधा है तो कैसे पाप कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उनके चेले ने पूछ रहा है, क्या इनके माता पिता ने पाप किया है तभी ये जन्म से अंधा है। तो प्रियो, ऐसे सवाल और ऐसे मन में बातें आप लोगों को भी हमेशा आता है, आप लोगों को भी हमेशा मन में इस बातों को आता है कि क्या मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा गुनाह किया कि उसका है जो फल हमें मिल रहा है, उसका परिणाम है जो हमें बीमारी और दुख और परेशानी के साथ है जो हमें चुकाना पड़ रहा है। या ये भी मन में कभी कभी आता है कि मेरे माँ बाप ने कौन सा ऐसा पाप और गुनाह किया कि उसका फल मुझे मिल रहा है। तो प्रियो, ऐसी बातों को सोचना आप छोड़ दें, ऐसे बातों को बात करना आप छोड़ दें,
क्योंकि जब आगे अगला वचन को देखेंगे तो यीशु मसीह उसके विषय में है जो उत्तर देते हैं, उसके विषय में कहते हैं। तीसरा आयत में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो दोस्तों यहाँ पे यीशु मसीह इस बातों को क्लियर कह देते हैं, साफ साफ इस बातों को बता देते हैं कि ना तो इसने पाप किया, क्योंकि इसने तो जन्म से जब जन्म लिया तब अंधा ही था तो ये कैसे पाप कर सकता है, और ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, परमेश्वर के काम इसमें दिखाई दे, इसके द्वारा काम हो परमेश्वर के। तो प्रियो जब हम देखते हैं वैसे ही हमारा आपका भी जीवन है, हम आप भी अगर कोई यीशु मसीह के पास आते हैं और उनका बीमारी और परेशानी बढ़ जाता है तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के प्रयास करें कि परमेश्वर की आपसे क्या इच्छा है, और उनसे प्रार्थना करने की प्रयास करें कि प्रभु मुझ में तेरी महिमा हो, मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु जो तेरी इच्छा है वही हो। तो प्रियो ऐसे जब बातों को करते हैं तो परमेश्वर कुछ कुछ ऐसे दुख और बीमारी को इसलिए आने देते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा है जे प्रकट हो, परमेश्वर के काम है जे प्रकट हो, और लोग देखें और लोग कहे कि कैसे है जे ये परमेश्वर ने इसको है जे खड़ा किया। जैसे कि वहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि वो जो जन्म से अंधा जो व्यक्ति था उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको है जे आँखें है जे खोल दी, उसको है जे प्रभु यीशु मसीह ने आँख को है जे ठीक कर दिया और वो देखने लगा। तो वो परमेश्वर के काम दिखाई देने के लिए वो जन्म से अंधा था, परमेश्वर के काम प्रकट होने के लिए है जो वो जन्म से अंधा था। तो प्रियो कभी कभी ऐसे आप सबको मन में आता होगा कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हम बीमार हैं, परेशान हैं, और हम ज़्यादा ही परेशानी में आ रहे हैं। तो प्रियो आप हताश और निराश ना हो, क्योंकि प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके है जे साथ काम कर रहा है। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही बस तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो प्रियो आपके ऊपर और हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आप है जे ढाढ़स बांधें, हिम्मत बांधें, और उस समय प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। जैसा कि प्रियो बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो उस समय टूट जाते हैं, टूटे नहीं मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु ऐसे फिर उससे बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्रभु महिमा लेना जानते हैं। जैसा कि प्रियो बहुत से ऐसे बात होते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, हमने कोई गलती तो नहीं कर दिया, हमने कोई पाप तो नहीं कर दिया, ऐसा मन में न सोचे प्रियो, क्योंकि न आपने गलती किया न आपने पाप किया, क्योंकि सारे गुनाहों और पापों को प्रभु यीशु मसीह ने आपको श्रापों को धो दिया है। अगर आप वैसे हैं तो प्रभु आपसे महिमा प्रकट करना चाहते हैं, प्रभु आपसे कुछ करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु में बने रहें और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें और प्रभु की इच्छा को जानते रहें, प्रभु आपको उससे बाहर जरूर निकालेंगे। तो प्रियो अगर आपको चंगाई अब तक नहीं मिल पा रहा है तो बाइबल के ये चार वचन को आप है जे जरूर सुने, पढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को जानने के प्रयास करें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु के वचन से आप आशीष को पाए हैं, परमेश्वर ने आप सबको आशीष को दे दिया है। तो प्रियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।